गुड मॉर्निंग टू ऑल। और गल करेंगे आज के लैक्चर की, और लैक्चर रहेगा लगभग 30, और इस तो पहले लगभग 29 लैक्चर जो बन चुके हैं पंजाबी मास्टर केडर की 5000 क्वेश्चन की सीरीज जी चल रही है। और इस मैं तुम्हें दसता इस तो पहले जो टॉप की तुम्हें करा दिए गए रिलेटेड क्वेश्चन, और जिस बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, गुरमुख काव्य, सूफी काव्य, इस तरह किस्सा काव्य, ठीक है, सारे ही जिवें क्वेश्चन तुम्हें आधुनिक काव्य, कांगीकार, नावलकार, नाटककार, सारे ही क्वेश्चन जोड़े तुम्हें एक लाइन वाले वन लाइन वाले करवा दिए गए। पर अज का टॉपिक रहेगा लोक साहित्य नाल, लोक साहित्य नाल संबंधित जोड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पंजाबी मास्टर केडर एग्जाम के। और 5000 क्वेश्चन की जी सीरीज चल रही है तुहाडे लई, और जिस दे विच तुहानू इस तो बाद जोड़े क्वेश्चन होणगे वह रिलेटड टॉपिक ही होणगे, और MCQ क्वेश्चन कराए जाएंगे जिस दे विच चार ऑप्शन तुहानू दित्तियां जाणगियां। स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर। लोक साहित्य की उपज कित्थे हुंदी है? लोक साहित्य की उपज कित्थे हुंदी है? लोगों के मन में हुंदी है। नैक्सट देख लेने, लोक साहित्य का प्रमाणिक पाठ कित्थे मिलता है? लोक साहित्य का प्रमाणिक पाठ, लोक साहित्य का प्रमाणिक पाठ किधरे नहीं मिलता, और कितने भी यदि प्रमाणिकता की गल नहीं की जा सकती। लोक शास्त्री नियमा, लोक शास्त्री नियम की हुंदा है? लोक साहित्य शास्त्री नियमों तो मुक्त हुंदा है, ठीक है। तो जिहड़ा लोक साहित्य है वह लोक साहित्य जिहड़ा शास्त्री नियमों तो की हुंदा है, मुक्त हुंदा है। नैक्सट देख लेने, लोक साहित्य किस किस तो मुक्त हुंदा है? आपां दसदा शास्त्री नियमों तो मुक्त हुंदा है। इस तो अलावा लोक साहित्य भूगोलिक सीमा तो, रचनाकार की गिनती तो, ठीक है। नैक्सट देख लेने, कालखंड की सीमा तो भी मुक्त हुंदा है। किहड़ियां गल्लां करके लोक साहित्य साहित्य रचना तो वख हुंदा है? अजिहियां किहड़ियां गल्लां हुंदियां जिन्हां करके लोक साहित्य रचना तो वख हुंदा है? लोक साहित्य कुछ लोग मिल के सिरजदे है, करता इसके अज्ञात होंगे। मेन गल ये इस जे करता इसको सिजन वाले होंगे, सिरजन वाले होंगे, उन्होंने कोई पता नहीं होंगे कौन है, उन्होंने नाम की है, अणलिखित होंगे। मेन एक होर चीज़ हैगी है, ये अणलिखित होंगे लोक साहित्य, अते लोगों के मनोभावों के प्रगटा होंगे, ठीक है जी। पता लग गया तुहानू लोक साहित्य साहित्य रचना किवें लग है। नैक्सट ले लो, लोक साहित्य का सिरजक कौन हुंदा है? लोक साहित्य का जब सिरजक कौन हुंदा है? तो लोक साहित्य जे सिरजक की गल की जाए, खास खिते दे लोकां दा समूह हुंदा है लोक साहित्य का सिरजक। नैक्सट, माता दियां भेटां, माता दियां भेटां लोक गीतां दी किस वनगी का अंग हन? देवी देवत्यां बारे जिहड़ियां गाईआं दियां माता दियां भेटां, कारजगत गीत गाए जाते हैं, ये गीत किते वाले कोई भी काम करते गाए जाते हैं, जिन्हों कारजगत गीत बोलते हैं, जो भी कोई काम करने वाला इंसान गीत गाँव रहा, ठीक है, काम करते ना उसको बोलते हैं कारजगत गीत। किकली, किकली की होंगी है? लोक गीतों के किस वर्ग में शामिल है? किकली कुड़ियों द्वारा पाई जाती है, लड़कियों द्वारा पाई जाती है, और ये लोक गीतों के किस वर्ग में इसको शामिल किया जाता है? किकली नृत्य, नृत्य गीत वर्ग में इसको शामिल किया जाता। नैक्सट जो क्वेश्चन है, त्रिंजना के गीत का मुख्य विषय की होता है? त्रिंजन भी तुम्हें पता कुड़ियों द्वारा लाए जाते हैं, और जिस चरखा करते हैं वो शोप। त्रिंजन के गीत का मुख्य विषय माही पति तो बिजोग बारे होता है, ठीक है। इसका की होंगे मुख्य विषय? माही ते पति ते तो जरा बजोग बारे इसका मुख्य विषय होंगे। सुंदर मुंदरीए तेरा कौन बेचारा लोक गीत तुम्हें पता ही है, दुल्ला पट्टी का यह गीत है, और ये गीत दिन त्यौहार दे गीत है, दिन त्यौहार का गीत इसको बोलिया जाता। सुंदर मुंदरीए तेरा कौन बेचार, दुल्ला पट्टी वाला हो इस जरा आप सुनते हैं। गिद्धे दियां बोलियां असी लोक गीतों किहड़े वर्ग में रख सकते हैं? जिहड़ियां गिद्धे दियां बोलियां तो उन्होंने लोक गीतों के किस वर्ग में शामिल किया जा सकता है? अजिहियां बोलियों असी नृत गीत वर्ग में रख सकते हैं। नैक्सट, पंजाबी लोक काव्य की बनगी हेयर किहड़े इलाके की देन है? ये बनगी मालवे के इलाके की देन है। नैक्सट ले लेने, नैक्सट क्वेश्चन होएगा, लोक काव्य लोक गीत नाल संबंधित पुस्तकों का कर्ता कौन है?
ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾਲ। ਟੱਪਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਟੱਪਾ ਇੱਕ ਤੁਕੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਸਿਹਰੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਘੋੜੀਆਂ। ਮਾਈਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਆ 4 ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਲੋਕ ਕਥਾ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਲੜੀ ਤੋਂ ਰੇਖਾ ਕਿੰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਮਿੱਥਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਥਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਨੌਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨੌਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਨੌਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਧ ਸਾਂਭੇ ਗੁਜਰੀ ਬੇਟੀ, ਧਨ ਸਾਂਭੇ ਖੱਤਰੀ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੁਕੀ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਦੋ ਤੁਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋ ਤੁਕੀ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਖੋਂ ਅੰਨੀ ਨਾ ਨੂਰ ਭਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਕੀ ਤੁਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਖਾਣ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ, ਤੁਕਾ ਵਾਲੀ ਅਖਾਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਰ ਪਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਕਰ ਪਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਔਰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਐਚ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੋਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪਿਕ ਵਾਜ਼ ਥਿਊਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪਿਕ ਵਾਇਜ਼ ਥਿਊਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ।